जवाब दिया, मेरे भैया के ये बहुत मित्र हैं, इनका नाम वसुदेव है। तब तक कंस ने स्नान करवाया, जवाब दिया बैठो वसुदेव, अब मैं अपने हाथों से ही तुम्हें भोजन करवाऊंगा। इशारा किया बहन देवकी, 56 प्रकार के भोजन लेकर के आओ। देवकी 56 प्रकार के भोजन लेकर के आई, कंस बैठा है, वसुदेव भी बैठे। जैसे ही थाली रखी तो देवकी टकटकी लगा करके वसुदेव की तरफ देखती रह गई। और ऐसा ही नहीं, नजरबाज ने नजरबाज को नजर चुराते नजर से देखा कि धर दे दोनों थाली। खड़ी पापा लगी रही थी निहारी, कंसर राज ने मन अपने में बातों लगा का मतलब ये है कि हमारी बहन वसुदेव की तरफ टकटकी लगा करके देख रही है, वसुदेव हमारी बहन को पसंद आ गए है। किसी और लगी और कहां लगी, सुपारी लगी या पान भई, और उजागर ने कंस ने वसुदेव को अपने हाथों से जवाब दिया, मंत्री अब आंगन में मंडप गढ़वाओ। मंडप गढ़वाया गया, उस मंडप के नीचे अपनी बहन देवकी और वसुदेव को बैठा ला, कन्यादान किया है, कन्यादान लिया है कंस ने। कन्यादान लेने के बाद में भामरे पड़ी हैं वसुदेव की देवकी के साथ में, विवाह हुआ है भक्तों। जब विदाई का समय आया है तो देवकी अपने भैया के गले में बाहें डाल करके और फपक फपक करके रोने लगी भैया, और क्या बोली है कि हमें काए पे आए गई परदेश ओ भैया। अपने भैया के गले में चिपट करके जिस समय देवकी रोई है और बोली भैया सम्मान करते हैं, और संत महात्माओं का भी 10-10 रुपए से सम्मान करते हैं। 551 रुपए भागवत में भंडारे में दे रहे हैं ब्रजेश यादव नंगला भेटिया से। एक राधा कृष्ण का भजन सुनना चाहते हैं, बिल्कुल सुना देंगे। और ये 101 रुपए की हार से धारा सिंह कुचलपुरा से मेरा सम्मान कर रहे हैं। और ये 201 रुपए भीष्म पाल कुशवाहा नंगला।